तो यहां पे आएगा सबसे पहले ए क्यूब, बीच का जो टर्म है यहां पे क्या आएगा, ए बी, ए बी, एंड लास्ट टर्म क्या आएगा, बी क्यूब आएगा। अब हम लोग क्या करते, क्या बता सकते, क्या करोगे, क्या करोगे यहाँ पे? वेरी टू लिखेंगे एक के बाद में क्या गुड, बोलूँ। ए का पावर रिड्यूस करते जाएंगे। वैसे यहां पे बी का पावर क्या होएगा? वेरी गुड, टू। यहाँ पे हो जाएगा वन, और बीच में साइन क्या आएगा? प्लस प्लस साइन आएगा। चलो नेक्स्ट, अगर ए प्लस बी द होल रेस टू फोर था तो द नंबर्स वर व्हाट? वन। वन प्लस थ्री किया तो कितना आता था? फोर। थ्री प्लस थ्री किया तो सिक्स। थ्री प्लस वन किया तो फोर, एंड लास्ट में क्या आ रहा था? वन आ रहा था, राइट? हाईएस्ट पावर ए का यहां पे चार है, बी का हाईएस्ट पावर यहां पे कितना है? चार है, यस फोर है, सॉरी। फिर बीच के टर्म्स में क्या लिखते वेदांत? बाकी लोग सॉल्व करो इसको, तो ए बी लिखेंगे। तो यहां पे ए का पावर क्या रहेगा ये ए बी में, जी एंड बी का कितना रहेगा? वन वन। यहां पे भी ए बी, सो दिस विल बी टू और टू, यहां पे आएगा वन। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो, ये पास्कल्स ट्रायंगल वाला जो सिखाया था। अब आप ये सेम फॉर्मूला आप किसके लिए कर सकते हो? माइनस साइन के लिए भी कर सकते हो, वो भी आपको सिखा देता हूं। हाँ हेलो सर, बोलो ना। मेरे को ये वो ये सॉरी थर्ड वाले का ये नहीं समझ आया। 4AB हाँ ओके ठीक है, अब जरा ट्रायंगल को देखो। ट्रायंगल कैसा था आपको याद है ना? एक, ये वन हाँ वन, फिर था यस वन वन, बीच में टू, वन थ्री थ्री वन, फिर क्या था बता सकते हो? कैसे करते थे इसके नीचे के इसमें क्या करते हो? एक और एक वन वन, फिर बाद में वन और थ्री कितना होएगा? वन फोर थ्री और थ्री कितना होएगा? सिक्स एंड ये थ्री और वन कितना होएगा? फोर एंड लास्ट में क्या आएगा? किसी वन को डाउट है इसमें अभी? किसी को है? चलो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो अभी हम लोग सब फॉर्मूला ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कर रहे थे, अभी हम लोग करेंगे ए माइनस बी के लिए क्या होएगा, कैसे करेंगे? देखो ऑफ कोर्स ए इक्वल टू यहां पे क्या आने वाला है? ए आने वाला है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। यहां पे हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी स्क्वेर। यहां पे लिखेंगे ए माइनस बी द होल क्यूब। यहां पे लिखेंगे ए माइनस बी द होल रेस टू फोर आएगा। ओके, अब कैसे करोगे यहां पे? बहुत सिंपल, अपना बेसिक रूल्स यूज करो। सबसे राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा क्या रहेगा? ए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा बोलो? बी 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 रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट, ए का हाईएस्ट पावर इधर तो वन और वन है, यहां पे हाईएस्ट पावर सेकंड इसमें टू टू टू, इधर सबसे थर्ड इसमें थ्री, थ्री एंड लास्ट इसमें क्या रहेगा? फोर फोर। फिर बीच में हमेशा ए बी लिखा जाता है, तो यहां पे सब जगह आप ए बी लिखते जाओ। ओके, नाउ लेट्स डिसाइड पावर। यहां पे ए का पावर कितना रहेगा मिडल में? ए का पावर वन 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 रहेगा। इधर ए का पावर कितना होएगा? टू बी का पावर वन। यहां पे ए का पावर वन एंड बी का पावर कितना रहेगा? टू। यहां पे ए का पावर कितना होएगा? थ्री। बी का पावर वन रहेगा। देखो ओके ओके ओके, टेंशन मत लो, कंफ्यूजन हो रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है? थ्री प्लस वन करना है। देखो ना हर जगह ना पावर है ना फोर ही रहेगा, कुछ भी करो। यहाँ पे कितना आएगा? टू आएगा, तो यहाँ पे टू प्लस टू इज फोर। यहाँ पे वन आएगा, तो यहाँ पे वन प्लस थ्री इज फोर।
ऊपर भी चेक करो, हाईएस्ट पावर 3, तो 2 प्लस 1 3 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, इसके भी ऊपर चेक करो, 1 प्लस 1 2 होता है ना, क्लियर है ये लॉजिक, क्लियर सबको? ओके नाउ अभी ये चेक करो, है चेक करो अभी साइन कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत ही सिंपल, पहला साइन क्या आएगा प्लस, दूसरा साइन आएगा माइनस, ध्यान दो है, पहला साइन क्या आता है हमेशा, हमेशा क्या आएगा पहला साइन, प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन वापस क्या आएगा माइनस, प्लस साइन, चलो पहला साइन क्या आएगा प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन प्लस, और लास्ट साइन माइनस। चलो इधर क्या होएगा, पहला साइन क्या आएगा प्लस, दूसरा साइन क्या होएगा माइनस, बीच का साइन प्लस, फिर वापस माइनस, वापस क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी फॉर्मूला कर सकते हैं, क्लियर है लॉजिक, तो ये ट्राई करो, ये लिख लेना, फिर हम लोग सम्स करते इसके रिलेटेड। एक और बार समझा देता हूं, बाकी जिनको समझो लोग बिना देख के ट्राई करो, मैं एक और बार सबके लिए लिखता हूं, जिनको नहीं समझा लोग देख लेना, हमेशा एज यूजुअल वन, इधर एक कोने में वन, इधर वन, इधर वन, वन प्लस वन आएगा टू, फिर बाद में वन प्लस टू आएगा थ्री, वन प्लस टू आएगा थ्री, कोने में वापस वन, इधर वन, वन प्लस वन इज फोर, थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, थ्री प्लस वन इज फोर, कोने में क्या करोगे वन और वन, क्या हुआ मिडल में थ्री लिखा है आपने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक्स बताने के, जस्ट सिक्स आएगा, एज यूजुअल राइट हैंड साइड में सब जगह ए, आपको एक्चुअली ये बायआउट करना है, लेकिन तो आपको लॉजिक समझा, एग्जाम में शायद आपको याद नहीं हुआ तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, तो आपको सिर्फ बी क्यूब तक ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। ऋषभ जेसन कैमरा चालू करो, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज टू, थ्री, यहाँ पे आएगा फोर, यहाँ पे इट विल बी टू थ्री एंड फोर, ओके, यहाँ पे बीच में हमेशा ए बी, यहाँ पे भी ए बी, इधर भी ए बी, ये साइड में भी ए बी, सिंपल है, हाईएस्ट पावर वन वन, वन प्लस वन इज टू, हाईएस्ट पावर टू, टू प्लस वन किया तो थ्री होएगा, हाईएस्ट पावर वन, वन प्लस टू किया तो थ्री होएगा, हाईएस्ट पावर थ्री, थ्री प्लस वन किया तो फोर, हाईएस्ट पावर टू, टू प्लस टू किया तो फोर, हाईएस्ट पावर वन, वन प्लस थ्री किया तो फोर। अब बस हमें साइंस डिसाइड करना, साइंस कैसे डिसाइड करोगे, हमेशा पहला टर्म प्लस, पहला टर्म प्लस तो दूसरा टर्म माइनस, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म प्लस, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म माइनस, ठीक है यहां तक क्लियर? चल तो हम लोग कुछ सम्स करते हैं, मैं आपको पहले आपको बताता हूं, सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला आपको देता हूं कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, स्पेशली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा करके फर्स्ट दीज फोर फॉर्मूलास यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट है, सेकेंड इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर बी क्यूब, सब जगह साइन प्लस आएगा, वैसे a प्लस बी
द होल रेस, सॉरी इधर माइनस आएगा, मैं बोलती हूँ द होल क्यूब ये हो जाएगा ए, बीच में ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे बी, हाईएस्ट पावर इज 3, यहाँ पे 2+1, यहाँ पे 1+2, यहाँ पे हमेशा बीच में 3, ओ सॉरी मेरा गलती है सर, थर्ड वाले में भी आपने सब प्लस लिखा है, प्लस लेकर थर्ड वाला चलेगा, थर्ड वाला प्लस ही था तो प्लस ही आएगा, इधर आएगा प्लस आए तो इधर आएगा माइनस, इधर माइनस आए तो यहां पे प्लस, यहां पे वापस, क्लियर है यहां तक? ये चार फॉर्मूला, किसी को डाउट? चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको ध्यान देना है, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसका फॉर्मूला इज ए प्लस बी एंड ए माइनस, एंड लास्ट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस विल बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। वेदांत कैमरा चालू करना, एंड एक और एक फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी मेरा गलती हुआ, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कितना होएगा यहां पे, ये बस लिख के रखो, फिर हम लोग सम्स चालू करें, जस्ट एक सेकंड इतना। आई होप ये फॉर्मूलास आप लोग सब लोगों ने लिखा रहेगा, ओके तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक फॉर्मूला का टाइप करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सब मिक्स करके मैं आपको देता हूं, ठीक है? तो पहले एक एक टर्म को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। रिशॉन डेबोरा कैमरा चालू करना, सर मैं दूसरा पेन लेकर, ओके ओके फाइन फाइन। चलो तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, मैं ऊपर लिख के भी देता हूं हेडिंग में, ये फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज। चलो सबसे पहले इट इज पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर, पी माइनस क्यू द होल स्क्वायर। फर्स्ट इससे ट्राई करो, कृष्णकांत है क्या मीटिंग में? ओके तो यहां पे सबसे पहले ये बताओ जेसन, इधर ए का काम कौन कर रहा है? यहां पे ए का काम सर पी, एंड बी का काम कौन कर रहा है? क्यू। फॉर्मूला इज ए स्क्वायर ना, तो क्या होएगा सर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? ये फॉर्मूला है ना? यस सर। ओके ए के बदले आप क्या लिखोगे? पी। पी का क्या होएगा? पी स्क्वायर, ठीक है? फिर आगे टू इंटू टू पी क्यू, वेरी गुड, एंड लास्ट में प्लस क्यू स्क्वायर।
चलो नीचे का पार्ट आदित्य बताओ, ए और बी का काम कौन करेगा यहाँ पे? सर ए का पी करेगा और बी का क्यू. परफेक्ट. फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी द होल स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर के बदले क्या आएगा? पी स्क्वायर आएगा. पी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस. ओके, आई होप ये फर्स्ट दो सम आपका बेसिक आपका टेस्ट करने के लिए. चलो अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं. ये ट्राई करो. चलो फर्स्ट क्वेश्चन डेबोरा बताओ, ए एंड बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? परफेक्ट. सो द फॉर्मूला इज, आई विल राइट द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर है. हाउ विल यू राइट दिस? What will be a के a का स्क्वायर क्या होएगा? In place of a. Perfect. In place of a, write 2m and इसका स्क्वायर. A के बदले वापस आप क्या लिखोगे? 2m. In place of b, what you will write? 3m. And in place of b, what will you write? 3m. 3n और इसका क्या होएगा? स्क्वायर होएगा. व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 2? 4. एंड m का स्क्वायर क्या होएगा? 4. m स्क्वायर होएगा. नाउ हाउ विल यू मल्टीप्लाई दीज इनसाइड ब्रैकेट? कैसे मल्टीप्लाई करोगे? क्या करोगे? हाँ कार्तिका, जरा हेल्प कर सकते हो? कैसे करोगे? कल सिखाया था ना मल्टीप्लाई कैसे करते. ओके अंश, एक सेकंड अंश बताओ क्या करोगे? टू टू द फोर, फोर. वेरी गुड. टू टू ज फोर, फोर थ्री आर ट्वेल्व. कल ही सिखाया था ये. फिर m को किसके साथ? n के साथ. तो इधर क्या आएगा? m n. ओके डेबोरा, लास्ट पार्ट. हेलो या डेबोरा, लास्ट पार्ट विल बी व्हाट? 3 का स्क्वायर क्या होएगा? 3 का स्क्वायर. हेलो, अरे बोलो कुछ तो. नहीं आता तो बोलो, हेल्प कर सकता. हाँ क्या होएगा 3 का स्क्वायर? 9 और n का स्क्वायर होएगा n स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए है? रिशॉन के लिए. a का काम कौन कर रहा है रिशॉन यहाँ पे? यस सर, a का काम 4 कर रहा है, 4 पी स्क्वायर. वेरी गुड, 4 पी स्क्वायर कर रहा है. और b का काम कौन कर रहा है? 3Q कर रहा है. चलो फॉर्मूला अप्लाई करते, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके इधर क्या होएगा? a के जगह पे क्या आएगा? a के जगह पे 4p आएगा, 4p स्क्वायर. 4p का स्क्वायर प्लस 2. एक सेकंड है, इधर गए को गलती क्या हो गया बताता हूँ. क्या गलती हो गई बता सकते हैं? क्या गलती हो इसमें सर? 2 आके ब्रैकेट नहीं रहेगा ना सर? ये 2 के अंदर रहेगा. देखो देखो ध्यान दो, ए एग्जैक्टली क्या है? 4p स्क्वायर है ना, देखो. और उसका स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है? a का स्क्वायर करना है, दैट इज 4p स्क्वायर का स्क्वायर. कोई डाउट इधर तक? किसी को डाउट है? ठीक है चलो. वैसे a का वैल्यू क्या रहेगा रिशॉन? a का वैल्यू इधर, a का वैल्यू 4p. 4p स्क्वायर है, देखो ना आपने बोला ना. हाँ. फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 3q. वेरी गुड, 3q.
एंड लास्ट ब्रैकेट में क्या होएगा? क्यू थ्री क्यू का नहीं, क्या करना थ्री क्यू थ्री क्यू का होल ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर करना परफेक्ट ओके चलो नाउ इसके बाद रिया बताओ क्या होएगा ये फोर का स्क्वायर कितना होएगा देखो p का स्क्वायर करना है तो क्या होएगा पी रेस टू फोर वेरी गुड p स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो क्या होएगा टू इंटू टू होएगा विच इज फोर ओके ठीक है नैना बताओ आगे कैसा होएगा ये वाला ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करोगे हाँ सर टू फोर जा एट और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर फिर ट्वेंटी फोर पी क्यू पी स्क्वायर क्यू आएगा क्यू इधर का पी का स्क्वायर है ना ध्यान दो बीच में ओके लास्ट का टर्म मिकाइल बताओ क्या होएगा सर थ्री का स्क्वायर निकालने का तो थ्री थ्री स्क्वायर नाइन नाइन क्यू बस नाइन क्यू स्क्वायर क्लियर है यहाँ तक अभी आपको लिए एग्जाम्पल्स दो प्रैक्टिस के लिए कर पाओगे ना इधर बस ये प्रॉपर्टी का बस ध्यान देना ये टू इंटू टू मल्टीप्लाई होता है ठीक है ऐसे सम्स आपको देता हूं चल प्रैक्टिस के लिए किसी को भी डाउट है यहां तक तो पूछना आगे का सम देता हूं आपको ये ट्राई करना थ्री क्यू क्यू प्लस फोर फोर पी द होल स्क्वायर फिर 2m minus 3p the whole square 2pq plus 7mn the whole square 2a square b minus 3ab प्रैक्टिस के लिए करो आपका बेसिक्स पे फोकस करो बस आपका बेसिक्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कितना भी डिफिकल्ट सम होने तो सॉल्व हो जाएगा और एक चलो एक और एक क्लास देता हूं 3m स्क्वायर प्लस 4n हाँ नतालिया फर्स्ट वाले में ए एंड बी का काम कौन कर रहा है थ्री क्यू और फोर पी थ्री क्यू क्यूब कर रहा है थ्री क्यू क्यूब और ये चलो अब इसके बाद हम लोग को नॉर्मल फॉर्मूला करना है तो मतलब ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब एक सेकेंड यहाँ पे ए आएगा एंड इधर क्या आएगा बी पार्ट आएगा प्लस यहां पे क्या आएगा बी का स्क्वायर चलो नताली बताओ क्या आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में हाँ सर थ्री क्यू क्यूब फिर थ्री क्यू क्यूब फोर पी फोर पी का स्क्वायर चलो अब आप मेरे को बताओ नतालिया थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन इसको कैसे करोगे क्यूब क्यूब का स्क्वायर क्या आएगा थ्री का क्यूब निकालेंगे ना नहीं देखो सिंपल है ना आपको बताया था ना पिछली बार देखो स्क्वायर का जब स्क्वायर निकाला था तो क्या किया था हमने टू इंटू टू हाँ तो कितना आया था तो यहाँ पे क्या करोगे सिक्स क्यू सिक्स वेरी गुड थ्री इंटू टू कितना होता है सिक्स ओके चलो टोटो एक सेकंड है टोटो नेक्स्ट ब्रैकेट बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व टू ब्रैकेट हाँ ये तो लिखा है कैसे सॉल्व करोगे इसको अच्छा सॉल्व ओके सॉरी टू इनटू थ्री
सिक्स होएगा और सिक्स इंटू फोर, सिक्स इंटू फोर करना है तो रहेगा 24 फिर बाद में ये क्या होएगा क्यू क्यू थ्री क्यू क्यूब थ्री और पी पी सॉरी पी हाँ पी वेरी गुड चलो अब नेक्स्ट फ्लेमिंग बताओ इसका आंसर क्या आएगा आवाज नहीं आ रहा एक्सक्यूज मी सर हाँ कृष्णकांत क्या हो गया 80 सर आई केम जस्ट नाउ No problem, no problem. Just try paying attention. I'm just explaining each and every step, okay? We are just using the formula which we used yesterday. A plus B the whole square, A minus B the whole square. Okay? Sir, we have to write this. Yeah, yeah. Tell me. Bolu? Haan, bol do, bol do. Kya aega? Let me. 8P. Shabash. 4 ka square kitna hota hai? 4 into 4 kar rahe hai. Sorry. Haan, sir. 16 चलो नेक्स्ट सम श्रीजित जरा बताओ यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है श्रीजित सर 2m एंड बी का काम कौन कर रहा है 3p ऑफ कोर्स पहला ब्रैकेट यहाँ पे 2 इनटू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है तो यहाँ पे ओके कृष्ण का ध्यान दो है मैं हर एक सम एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ तो आप जस्ट ध्यान देने का काम करो हाँ श्रीजित क्या होएगा यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा सर 2m 2m ये ब्रैकेट में 3p शाबाश वेरी गुड शाबाश और 2m आएगा ना पहले सेकंड में क्या आएगा 3p एंड लास्ट में 3p कोई बता सकता है इधर क्या गलत है क्या गलत है इसमें इसमें सर ये वाले इसमें क्या लिखा मैंने गलत सर साइन साइन माइनस टू एम स्क्वायर के बाद माइनस आएगा वेरी गुड माइनस साइन आएगा चलो अब नेक्स्ट ये बताओ सृजित ही बताओ टू का स्क्वायर क्या करेगा इसका स्क्वायर करो कितना आएगा फोर एम एम का स्क्वायर 4m square. Perfect. फिर 2 into 2 into 3 कितना होएगा? 12. And m into p क्या होएगा? mp. mp. Sign आएगा बीच में. Minus का sign आएगा. And last का क्या आएगा term? Sir, 9p square. 9p का square आएगा. चलो. यहाँ तक तो हो गया. अब आगे का सॉल्व करते रहो मैं पूछता हूं आगे का सॉल्व करते रहना किसी को डाउट है तो पूछना सर हो गया ग्रेट ग्रेट बस रुक जाना सर ओनली वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट नो या जस्ट पुट द ब्रैकेट फर्स्ट फॉर्मूला पहले डालो जो भी ब्रैकेट में आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं उतना बस कर लेना वी डिड द सेकेंड सम नाउ लेट्स डू द थर्ड सम चलो वेदांत बताओ थर्ड सम कैसे सॉल्व करोगे एक सेकंड वेदांत मत बताओ हाँ आर्य बताओ पहले ब्रैकेट में 2pq आएगा एक सेकंड सबसे पहले a स्क्वायर यहाँ पे 2ab एंड एंड में क्या आएगा b स्क्वायर तो सबसे पहले इस ब्रैकेट्स पुट अप करो जो भी सब्स्टिट्यूट करना है इसके लिए ठीक है तो आपको हेल्प हो जाएगा चलो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है आर्या 2pq वेरी गुड ये ए का काम कर रहा है एंड बी का काम 7m स्क्वायर 7mn सेम है 7mn है ठीक है बस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा 2pq यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में 2pq आप ऐसे सॉल्व करोगे ना आपका एग्जाम में इजी होएगा करने को जस्ट ब्रैकेट्स पुट अप करो आपको हेल्प होएगा फिर इधर बी के जगह पे 7mn एंड लास्ट में क्या आएगा 7mn चलो ये ब्रैकेट को 2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा क्या आएगा इसका फाइनल आंसर 4pq 4p का स्क्वायर कितना होता है p अपॉन 4 होगा नहीं नहीं पहले p का स्क्वायर कितना होता है p का स्क्वायर क्या होएगा अगर आप 2
p इंटू पी करोगे तो कितना आना चाहिए? क्या होएगा? अरे बाप रे, p इंटू पी होता है पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। वैसे ही q इंटू q करोगे तो कितना आएगा? q स्क्वायर। ये हो गया। वैसे आप क्या करोगे, 2 × 2 × 7 कितना होएगा? 2 × 2 × 7 28। फिर ऑफ कोर्स इसमें तो कोई सेम नहीं है तो इसको एज इट इज लिखोगे। 7 का स्क्वायर कितना होएगा आर्या? 49। m का स्क्वायर? m स्क्वायर। एंड n का स्क्वायर क्या होएगा? n स्क्वायर। इधर आएगा। चल ये था फाइनल आंसर। किसी को डाउट है इसमें? सर बोलो। सर मेरे को समझा नहीं। क्या नहीं समझा बोलना? सर फॉर्मूला वो a स्क्वायर, सर इसमें वो वाला फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, अभी इसमें क्या डाउट है आपको? सर मैं अभी आना इसलिए मेरे को समझा नहीं आप क्या सोचा। हाँ, अरे देखो कुछ ये नहीं रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला जो है ना इसमें मैंने क्या किया, जस्ट ए जस्ट सब्स्टिट्यूट किया। ए क्या था, हमने 2pq लिया ना, ए के बदले मैंने 2pq लिखा। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला में क्या था, ए बी था ना, तो ए के बदले मैंने ये लिखा, बी के बदले मैंने 7mn लिखा। लास्ट में क्या था, बी स्क्वायर था ना, तो बी लिखा और उसका मैंने क्या किया स्क्वायर, बस उतना ही किया और कुछ नहीं। बाकी पूरा अभी जस्ट सिखा रहा हूं, जस्ट एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ नया नहीं सिखाया, जस्ट आप ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ, जस्ट रिवीजन किया था इसके पहले, आप आने के पहले। स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो, और वैसे भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाद में भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बचा, किसका चांस बचा है, किसने आंसर नहीं दिया? हाँ टोटो, ओके टोटो दिया था ना, टोटो पूछा था मैंने, ठीक है चलो टोटो ही बता, ठीक है चलो टोटो ही बता दो, मैं पूछता हूँ। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? अरे बाप, सॉरी सर, सॉरी, कोई बात नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा यहाँ पे? ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा, दैट इज ए स्क्वायर a square minus 2ab ab plus b square। ओके एक सेकंड है टोटो, मैं जरा कृष्णकांत को पूछता हूँ, इसको डाउट है। हाँ कृष्णकांत, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जस्ट ये ब्रैकेट्स आपके लिए डालता हूँ, ओके तो कृष्णकांत बताओ यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ये इक्वेशन में a का काम कौन कर रहा है? 2a square b। परफेक्ट। एंड बी का काम कौन कर रहा है? 3ab स्क्वायर, 3ab, सिर्फ 3ab। तो यहाँ पे a के बदले क्या लिखोगे ये ब्रैकेट में? 2a square b। वैसे ये ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सेम 2a square b। एंड ये b के बदले क्या लिखोगे? 3ab। वैसे लास्ट के ब्रैकेट में क्या आएगा? 3ab। अब क्या करो, पहले 2 का स्क्वायर कितना होएगा? 4। a स्क्वायर का स्क्वायर कैसे करोगे? a square b। एक सेकंड एक सेकंड, a स्क्वायर का अगर स्क्वायर करना होगा तो 2 × 2 मल्टीप्लाई होके कितना होएगा? a रेस 2। 4, a 4। वैसे b का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? b raised to 4। अरे एक सेकेंड, b का हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो क्या होएगा? b, इधर देखो b raised to कितना है, 1 है ना, 1 × 2 कितना होएगा? 2। तो क्या होएगा? b square। वैसे जरा ये बता सकते हो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 × 2 × 3 कितना होता है? 12। a square into a कितना होएगा? a 4। देखो चेक करो, a raised to 4। a square a raised to 3, sorry a raised to 3 होएगा।
वैसे बी थ्री लगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बी को किससे, बी से मल्टीप्लाई किया तो कितना होएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर किया तो कितना होएगा, थ्री का स्क्वायर किया तो कितना होएगा, नाइन ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर। अभी समझा? यस सर। चलो अब लास्ट वाला पार्ट में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, सब लोग चेक कर सकते हो, आई होप सबने लिखा रहेगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो इसका आंसर रहेगा 9m^4 प्लस 2 3 6 24 एम स्क्वायर एन प्लस 16n^2। तो अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल डू फॉर व्हाट, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला। हाँ बोलो ना, क्या हो गया सर? मैं वो लिख रहा था पीछे लास्ट पार्ट। अच्छा लास्ट पार्ट नहीं लिखा, ओके जस्ट अ सेकंड, शाबाश, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? यस सर, थैंक यू। अब नेक्स्ट आगे का पार्ट, मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए माइनस बी द होल क्यूब। आई होप इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। लेट्स ट्राई सम सम्स।